दिल के हरीश शर्मा जी आप आइए आइए, शायद मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? वो क्या है ना, बच्चे डूजा के वहाँ चले गए, नरेंद्र को भी बाहर जाना है। मैं सोच रही थी टाइम पास कैसे करूं, चलिए आप आ ही गए। नहीं, आप मरा समझ नहीं भाभी जी, मैं टाइम पास के लिए नहीं, मुझे आपसे काम है। अरे काम तो आपके लिए है, मेरे लिए तो टाइम पास ही है ना। कहिए कैसे चल रहा है आपका मैरिज ब्यूरो? उसी के लिए तो आया भाभी जी। हाँ? आपको एक शादी करानी है। शादी करानी है? ओह माय गॉड, शादी कराना तो मेरी हॉबी है। शादियों में गाना गाना, नाचना, शॉपिंग करना, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये सारी चीजें तो मैं छुटकियों में कर सकती हूँ। भाभी जी आप समझ नहीं रही, शादी कराने से मेरा मतलब है कि। शर्मा जी, शादी कराने का मतलब आप मुझे समझा रहे? मैंने सैकड़ों शादियां करवाई है, यहाँ तक कि अपनी खुद की शादी भी मैंने ही कराई है। और आज कह रहे हैं कि भाभी जी आप समझ नहीं रही। मैं सब समझ गई हूँ। नहीं नहीं आप नहीं समझ रही। मैं कह रही हूँ मैं सब समझ गई हूँ। बात वो नहीं है जो आप समझ रही। बात जो अभी हो मैं समझ गई हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए शर्मा जी, क्या आप मुझे ना समझ समझते हैं? पहले आप अपनी समझ को समझाइए कि वो अच्छी तरह से समझ जाए कि मैं सब समझ गई हूँ। समझ गया। क्या समझ गए? मैं समझ गया कि आप सब समझ गए। राज बैठे शर्मा जी, समझते क्या? अब भाभी जी आप अगर परमिशन दे तो मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता। देखो रिक्वेस्ट तो ठीक है लेकिन समझाने की बात नहीं। नहीं नहीं मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, बस बताना चाहता हूँ कि शादी करानी है डॉली की। डॉली? अच्छा वही डॉली जो 4 नंबर बिल्डिंग में तीसरे माले पे रहती है? हाँ हाँ वही डॉली, उसी की शादी। वही डॉली जिसकी ये लंबे लंबे बाल है? हाँ वही डॉली, उसी की शादी। वही डॉली जिसकी ये बड़ी बड़ी आंखें हैं? वही डॉली जिसकी दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, दो मुंह है। मतलब बस बाकी सब कुछ मुझे मालूम है, आगे कहिए। आप तो जानती है भाभी जी कि डॉली के माता पिता जिंदा नहीं, इसलिए उसने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। इसी बीच अमेरिका से एक लड़के का रिश्ता आया, मैंने उसे डॉली की तस्वीर भिजवा दी, उसने डॉली को पसंद कर लिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको मिलकर डॉली की शादी धूमधाम से करवानी होगी। लेकिन डॉली की शादी अभी पक्की कहाँ हुई है? क्यों? लड़के के माँ बाप को अगर पता चल गया कि डॉली अनाथ है तो वो लोग रिश्ता नामंजूर भी कर सकते हैं। पहले भी 2 बार हो चुका है। ओह ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन मैंने इसके लिए भी एक रास्ता निकाल लिया है। क्या? मैंने लड़के के माँ बाप को डॉली से मिलने के लिए यहाँ बुला लिया है। यहाँ? हाँ, यानी कि ये घर डॉली का और आप और मिस्टर श्रीवास्तव उसके मम्मी और डैडी। ओके शर्मा जी डन। लेकिन शर्मा जी ये तो चीटिंग होगी ना? हरीश जी इसमें चीटिंग की क्या बात है? अब देखिए लड़के को लड़की पसंद और लड़की अमेरिका जाना चाहती है, माँ बाप तो सिर्फ लड़के के माँ बाप को दिखाने के लिए। देखिए भाभी जी आप इनकार मत करना, आप लोगों की थोड़ी सी मदद से एक लड़की की जिंदगी बन सकती है। और वैसे भी आप तो बहुत समझदार हैं। ओह यस यस मैं समझ गई, वो लोग कब आ रहे हैं? बस आते ही होंगे। हाँ नरेंद्र को मैं ये खबर सुनाती हूँ। नरेंद्र चीखने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे आ चुका हूँ। नरेंद्र मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। नहीं नहीं मैं अभी एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारा कोई काम मेरे काम से ज्यादा जरूरी तो हो ही नहीं सकता है भाई। नहीं नहीं मेरा काम ज्यादा जरूरी है। ऐसा है? हाँ बताओ क्या काम है जल्दी बताओ। बताओ हाँ। तुम्हें एक लड़की का बाप बनना है। लड़की का बाप? हाँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इस उम्र में फिर से बाप बनूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बात तो सुनो। नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 3 बच्चों से मन नहीं भरा तुम्हारा? अरे लोग तो इस महंगाई के जमाने में बच्चे कम पैदा करने की सोच रहे हैं और तुम फौज खड़ी करने की सोच रही हो यार। नहीं नहीं श्रीवास्तव साहब आप असल में बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप तो पूरी बात समझ में आ गई भाई, ये नया फितूर जरूर इन शर्मा जी ने उगाया तुम्हारे दिमाग में। इनका तो काम ही लोगों के शादियां करवाने का है, ये तो सोचेंगे ही कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो तो बहुत अच्छा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जेब को हल्की कर सके। क्या? नहीं 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 आप गलत समझ रहे हैं। अरे छेड़ो यार शर्मा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए लोगों के घरों में मुश्किलें तो मत बढ़ाओ। बेचारी सरकार परेशान है, जनसंख्या कंट्रोल हो नहीं रही है, फैमिली प्लानिंग वाले दिन रात उसी काम में जुटे हैं और तुम ऐसी एडवाइस देते फिर रहा पड़ोस। ये सोशल क्राइम है यू नो, देश के साथ गद्दारी है यू नो, आने वाली पीढ़ियां कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, समझते हो तुम? तुमको भी नहीं करेगी, जा रहा हूँ। एक तो मदद नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये लंबे लंबे भाषण। लेकिन अब क्या होगा? किसका? डॉली के बाप का। आप बेफिक्र रहिए शर्मा जी, मैं उन्हें ये बता दूंगी कि मेरी बेटी का कोई बाप है ही नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप ही डॉली के माता पिता हैं? माता पिता माता पिता माता पिता
रानी डॉली के माता पिता हैं। मेरा नाम अरुण भटनागर है। और मेरा नाम अर्चना भटनागर। मेरा नाम अनोखेला। और मैं किरण। बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। ये शर्मा श्रीवास्तव बात कुछ समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई? मेरे भी नहीं आई। मैं समझाती हूँ ना। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? पहले अंदर तो आइए ना। आइए ना, आइए ना प्लीज। हाँ तो श्रीवास्तव साहब। शर्मा, मैं समझाती हूँ। दरअसल बात यह है कि ये है मिस्टर शर्मा और मैं मिसेस श्रीवास्तव। फिर तो आपके पति का नाम मिस्टर श्रीवास्तव होना चाहिए। थे ना, श्रीवास्तव थे, लेकिन मैंने उन्हें तलाक देकर इनसे दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? यानी ये आपके दूसरे पति हैं? अरे एक मिनट, ये क्या कर रही है भाभी जी? अगर दूसरे पति का बोलेगी तो ये लोग भाग जाएंगे। अरे हाँ, ठीक है, मैं संभालती हूँ। आप लोग आइए ना, बैठिए। हाँ, बैठिए ना, प्लीज आइए आइए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके दूसरे दूसरे नहीं, पहले पति है। एक सेकेंड, मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ। ये आपके पहले पति हैं, फिर आपने दूसरी शादी की, लेकिन आप रहती अपने पहले पति के साथ ही हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं भटनागर जी। हुआ यू कि मेरी दूसरी शादी पहले हुई और पहली बाद में। वेरी सिंपल। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। आप लोग बैठते क्यों नहीं है? बैठिए ना प्लीज। तो डॉली आप लोगों की इकलौती बेटी है। हाँ, डॉली हमारी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है। अमित भी हमारा इकलौता बेटा है, रहता है अमेरिका में, लेकिन इंडियन कल्चर की वाइफ चाहता है। तो फिर हमारी बेटी आपके लड़के के लिए राइट चॉइस है। आपका लड़का यही कहेगा, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। वो क्या है ना, हम हमारी फैमिली में इंडियन कल्चर को बहुत डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन करते हैं, यू नो। या वैसे आपकी बेटी पढ़ी कहाँ तक है? वो क्या है ना, मैं घर के मामले संभालती हूँ और बाहर के मामले ये देखते हैं। आप इन्हीं से पूछिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी, भाभी वो हमारी भाई है ना, उसका नाम भाभी है, वो आज छुट्टी पर है इसलिए ये चाय बना रही है। प्यारे हाथों से, उससे खुश होकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने मुझे सिंगापुर भेजने का डिसीजन ले लिया है। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर सो स्वीट। यस, हेलो, यार किरण, वो बेडरूम से मेरी चेकबुक ले आना, तुम्हारे तकिए के नीचे रखी थी। ओह, नो प्रॉब्लम, मैं ले आता हूँ। Please be seated there. मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये साहब, ये मेरा फ्रेंड है। मेरी वाइफ से काफी फ्रेंडली है। वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका फ्रेंड किसके बेडरूम में गया है? बेडरूम? हाँ, वो ऊपर, उसका खुद का अपना बेडरूम है ना ऊपर। तो रहता भी नहीं है। वो दरअसल में अभी उसका मुंबई ट्रांसफर हुआ है ना, तो उसके बाद रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था, तो मैंने उसको अपने यहाँ रख लिया। मेहमान को इतनी फैसिलिटी तो देनी ही चाहिए। काफी फैसिलिटी दे रखी भाई आपने अपने दोस्त को। अब क्या करूं भटनागर साहब, मेरा तो दिल ही ऐसा है। ये शर्मा किरण का है, वो किचन में चाय बना दी चाय। ओह यस, नो प्रॉब्लम। शर्मा, किरण से बोलना शाम को तैयार रहे, डिनर पे लेके जाऊंगा। ओके, बाय, सी यू, कैरी ऑन मैन। आपका दोस्त आपकी बीवी को डिनर पर भी ले जाता है? हाँ, हमेशा नहीं, कभी कभी। नरेंद्र श्रीवास्तव यहीं रहते हैं? नरेंद्र श्रीवास्तव यहीं रहते हैं?
नरेंद्र श्रीवास्तव यही रहते हैं? क्या बात है? अरे भाई, हमने कहा कि नरेंद्र श्रीवास्तव यही रहते हैं क्या? क्या काम है? हमें उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना है। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, शाम को आना। लेकिन हमको तो यहीं का पता बताया गया था, और आप कह रही हैं कि नहीं रहते? नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, शाम को आना। अगर वो यहाँ नहीं रहते हैं तो शाम को क्यों आना? मगर शाम को क्यों आना भाई? अरे आप हमें समझती क्या? हमने आप जैसी बहुत सी मैडमें देखी जो शाम को बुलाती हैं। जाते हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव, पुलिसमैन नरेंद्र श्रीवास्तव। हाँ, नरेंद्र श्रीवास्तव, मेरे दूसरे पति। हाँ, दूसरे पति? वही दूसरे पति जिनसे आपकी पहली शादी हुई थी? हाँ, पहले यही रहते थे। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पुलिस आई थी वेरिफिकेशन के लिए। आप चाय लीजिए ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ। ये आपके पहले पति हैं जिनसे आपकी बाद में शादी हुई, इनकी और आपकी एक बेटी है 21 साल की। उससे पहले आपके दूसरे पति यहाँ रहते थे, फिर अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन में यहाँ का एड्रेस कब दिया उन्होंने? 22 साल पहले। हाँ, जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अब सरकारी डिपार्टमेंट की लेट लतीफी तो देखिए, अब आए हैं वेरिफिकेशन के लिए। हर जगह यही हाल है भटनागर साहब। लो, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरी कॉलोनी में ढूंढ के आ रही हूँ। क्यों जी? हाय किरण। हाय। अपनी असली बीवी को संभालिए। आइए ना, आप इस तरफ आइए। डॉली के बारे में आपको और कुछ पता नहीं? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मुझे डॉली की बड़ी याद आती है। अब तो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो। मैं किरण को बताती हूँ। भटनागर साहब, ये कोना हमने हमारी बेटी डॉली के लिए बनवाया था, लेकिन अफसोस वो यहाँ खेल ही नहीं पाई। लेकिन आपके पति तो बता रही थी कि आपकी बेटी इसी कोने में खेलकर जवान हुई है। ऐसा कहा उसने? अरे कंसा, तुम कितनी बुरी हो गई हो। लेकिन ये खेलना भी क्या खेलना मिसेस भटनागर, जब वो इतनी बड़ी थी, नहीं इतनी बड़ी थी तो हमने उसे हॉस्टल भेज दिया। बस जब वो कभी कभी छुट्टियों में आती थी तभी यहाँ पे खेल पाती थी। लेकिन ये हमारी शर्मा थी कि मानते ही नहीं। अरे कहाँ जा रही है? मगर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही हो। जब डॉली हाई स्कूल आई थी ना। श्रीवास्तव साहब, क्या पे मेहमान आए हैं, मैं डॉली को देखने के लिए, तुम जाओ प्लीज। चली जाऊंगी ना, पहले तुम कहो कि मैं दुबली लग रही हूँ। बहुत दुबली लग रही हो, बिल्कुल मॉडल जैसा फिगर हो गया। बात करते हैं। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। अरे सुनो तो, रात को आप अपना पर्स तो पलंग पर ही भूल गए थे, उसे मैंने बेडरूम वाली ड्रॉअर में रख दिया है, याद से वहीं से ले लेना। बिल्कुल बेहोश होकर सोते हैं ये, रात भर मैं इनको सिर्फ चादर ही उड़ाती रहती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अब ये मेम साहब, मेरी बीवी, वो बीवी की पड़ोसन, मतलब हमारी पड़ोसन, पड़ोस में रहती है इसलिए पड़ोसन। आपके पति क्या आपके पड़ोसन के घर में रहते हैं? रहते नहीं, सिर्फ सोते हैं। दरअसल बात ये है कि हमारी पड़ोसन के पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और हमारी पड़ोसन को अकेले सोने में बहुत डर लगता है, इसीलिए आपके पति आपकी पड़ोसन के बेडरूम में सोते हैं। अब क्या करें, पड़ोसी होने के नाते इतनी फैसिलिटीज तो देनी ही पड़ती है। बड़ा अच्छा कल्चर मेंटेन किया है अपने घर में लोगों को फैसिलिटी देने का।
अब क्या करें, हमारा तो दिल ही ऐसा है। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी, हम ना पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं कंफ्यूजन की वजह से बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। आपने मुझसे कहा था कि डॉली आपकी इकलौती बेटी है, फिर ये तीन तीन बच्चे कहाँ से आ गए? ये बच्चे तो मेरी पत्नी के दूसरे पति के। हद करते हैं आप, दूसरे पति की शादी इनसे पहले हुई थी और आपसे बाद में, फिर ये बच्चे आपकी बेटी से छोटे कैसे हो सकते हैं? ये बच्चे छोटे नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए छोटे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे दूसरे पति की हाइट कम है, इसलिए ये सब छोटे छोटे लगते हैं। ये मेरा लास्ट बेटा है ना, ये 25 साल का है और ये 28 साल की है, और ये है ना 20 साल की है। देर हो जाएगी, जाओ ना, जाओ जाओ बाय बाय। अरे तू क्यों खड़ी है, जाओ ना बाय। पहले पति बच्चे नादान है, बच्चे अच्छे। एक सेकेंड, मैं फिर से टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ। बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। आपका पहला बेटा 25 साल का, दूसरी बच्ची 28 साल की, तीसरी बच्ची 30 साल की, तो फिर आपकी उम्र क्या है? 50 साल। लगती नहीं हूँ ना, एक्चुअली मैंने अपने आप को मेंटेन किया है, इसलिए तीन तीन बच्चों के बाद भी इन्होंने मुझसे शादी की है ना। तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम अपने बेटे का रिश्ता किसी ऐसे घर में तय करेंगे जहाँ पे यही समझ में नहीं आता कि किसका किससे कैसा और क्या रिश्ता है? सुनिए, हम आप ही से बात कर रहे हैं श्रीमान, जरा हमारी बात तो सुनिए। कहिए। ये नरेंद्र श्रीवास्तव कहाँ रहते हैं? क्या काम है, यही रहते हैं? यहाँ? नहीं श्रीमान, यहाँ तो वो मैडम रहती है जो शाम को आने का कहती है। तमाशा बना के रखा है। यहाँ एक शर्मा है जो किरण श्रीवास्तव के पति हैं, एक किरण श्रीवास्तव हैं जो किसी दूसरे के साथ डिनर पे जाती हैं, और एक पड़ोसन है जिनके बेडरूम में शर्मा सोते हैं, और एक नरेंद्र श्रीवास्तव। नरेंद्र श्रीवास्तव, अभी आपने कहा नरेंद्र श्रीवास्तव, बताइए कौन है नरेंद्र श्रीवास्तव? भाई वो यहाँ नहीं रहते हैं। सच सच बताइए, वरना हमारा नाम पांडे हवलदार है। भाई हमें तो आप माफी कीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए। अरे भाई हमको क्या पता? हमें कैसे पता होगा? कोई माई का लाल जो हमें बताए कि नरेन श्रीवास्तव कौन है। अरे मैं हूँ नरेन श्रीवास्तव यार, मैं ही रहता हूँ इस घर में। क्यों जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप नरेन श्रीवास्तव को नहीं जानते, तो फिर आप इनके घर में क्या कर रहे थे? हमें कुछ नहीं मालूम हवलदार साहब, हमें तो इन लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं रहते। क्यों जी? हमने कहा ना, वो यहाँ नहीं रहते। तो फिर ये कौन है? ये तो मेरे दोस्त है, नरेंद्र श्रीवास्तव नहीं है। हम समझ गए। क्या? हम समझ गए कि हमको उल्लू बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक है? लेकिन हमारा नाम भी पांडे हवलदार है, अभी हम हमारे तरीके से पता लगा लेंगे। अभी हम तीन तक गिनेंगे, जिसको पता हो वो सच सच बता दे, वरना दो किरण। एक मिनट हवलदार साहब, मैं बताती हूँ, डॉली की शादी के लिए मैं अपने पति को नहीं पटवा सकती। भाभी जी नहीं, आप घबराइए। देखिए देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए, इतनी देर से हम लोग नाटक कर रहे थे, ना ये मेरे पति है और ना ही मैं उनकी पत्नी हूँ, और ना ही हम डॉली के माता पिता है। डॉली एक अनाथ लड़की है, और हम डॉली के माता पिता सिर्फ इसी डर से बने ताकि आप ये जानकर इस रिश्ते से इनकार न कर दे। क्या तमाशा हो रहा है? आप लोग हंस क्यों रहे? हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अगर आपने पहले सच्चाई बता दी होती तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह आप दोनों डॉली के माता पिता नहीं है ना, उसी तरह हम दोनों भी अमित के माता पिता नहीं है। क्या? दरअसल अमित भी एक अनाथ लड़का है, उसने हम दोनों को इस डर से यहाँ माता पिता बना करके भेजा था कि कहीं आप लोग ये सुनकर कि वो अनाथ है इस रिश्ते से इनकार न कर दें। तो इसका ये मतलब है कि रिश्ता मंजूर। लेकिन हमारा सवाल तो सुलझा ही नहीं, ये नरेंद्र श्रीवास्तव कौन है? शाम को आना।